ये कल एक छोटा सा टिटहरी का बच्चा हमारे घर आया, बहुत छोटा सा है। बारिश में शायद इनका घोंसला कहीं ख़राब हो गया, बट समझ नहीं आ रहा था इन क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। ऐसे ही फिर कॉन्शियस माइंड में आया कि जैसे गांव में गिलहरी हमारे तालाब में रहती थी, तो वो पानी में से कुछ कुछ छोटे छोटे पकड़ती थी, वो कुछ भी कीड़े कुछ भी थे जैसे वो खाती थी। तो इसका एक इन्वायरमेंट बनाया, ये डब्बे में पानी रखा, इसमें छोटे छोटे केचुए फिश उसमें मिलते हैं, और वैसे भी हमारे गमले में बहुत हो रखे हैं ये। और ये एक प्लांट लगाया, इसमें ये बैठा, इसको बिठाते हैं, और इसका ये इन्वायरमेंट बनाया है इसको बचाने के लिए, कि अब इसकी माँ मिलेगी तो इसको छोड़ देंगे। और ये बहुत हैप्पी है अभी तो, मतलब खा रहा है अपने आप से ही, इसके अंदर जो भी पकड़ता है ये पकड़ पकड़ के, और छोटे छोटे इसमें छोड़ दिए। थोड़ी थोड़ी देर में हम लाते हैं गमले में से और इसमें छोड़ते हैं। अब एक जीव को पलने के लिए दूसरे को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, यही नेचर है। और देखा जाए तो कि वो भी जीव है और क्या करे, बट एक को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। तो थोड़ा अफसोस भी है उस चीज़ का, बट भगवान ने जो काम सौंपा है, मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ कि मे बी ये कहीं ना कहीं हमने ही इसको मैनिफेस्ट किया और ये घर आया, और इसका हमने पूरा एक्सेप्ट किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इसकी, और इसलिए अब जो भी है प्रभु का काम है, कि प्रभु ये आपका ही काम है। अब आपने अगर इस काम में लगाया है तो हम करेंगे, अपना 100% देंगे, और ये आपको ही हम समर्पित करते हैं। तो पुण्य और पाप क्या है आई डोंट नो, कि एक को जीने के लिए दूसरे को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, तो इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इसके अंदर ये बनाया है इसका एक, तो इसको जब भूख लगती है ये नीचे आ जाता है, अपने आप से इसमें लग जाता है खाने।